मैं मौजूद हैं और हम अभी आए हुए हैं सदर बाज़ार पेटी वाली गली के अंदर। तो मैम का सुना था कि स्ट्रगल करने के बाद आज इनके पिता नहीं हैं, उसके बाद स्ट्रगल किया है बहुत ज़्यादा और आज मार्केट में स्थापित हैं कई वर्षों से। तो मैम आपकी ज़ुबानी सुनना चाहेंगे कि कैसे क्या इंसिडेंट रहा, आपने इतना स्ट्रगल कैसे किया अपनी लाइफ के अंदर, प्लीज़ बताइए। सबसे पहले तो थैंक यू आप लोग यहाँ आए और इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए मैं बताना चाहूँगी कि क्या स्ट्रगल था और क्या कितना डिफ़िकल्ट था इस जर्नी में यहाँ आना। बट वो कहते हैं ना कि जब ऊपर वालों की ब्लेसिंग्स होती हैं और कुछ सपोर्टिव फैमिलीज़ होती हैं तो उस बेसिस पे आप आगे निकलते चले जाते हो। पापा वॉज सिटिंग हियर फ्रॉम लास्ट 45 ईयर्स, तो वो 45 साल उन्होंने अपनी इसी शॉप पर दिए थे। एंड जो भी हमारा फैमिली बिजनेस है ये, तो ये लास्ट 45 ईयर्स से चल रहा था। उसके बाद हम 3 डॉटर्स हैं और मैं सबसे छोटी हूँ, तो इन दैट केस आई हैव टू टेक दैट डिसीजन कि लाइक हु इज़ सपोज टू ग्रो दिस बिजनेस और आगे कौन लेकर जाएगा। तो ये जर्नी जब मैंने स्टार्ट करी थी ना, तो सर मेरे को कुछ ये पता था कि वेंडर्स क्या हैं और कस्टमर्स क्या हैं। इट वाज नॉट एट ऑल इजी फॉर मी, बट टुडे आई वाज एक्चुअली कंप्लीटिंग अ 1 ईयर। इट वाज नॉट दैट इजी फॉर मी टू गो अहेड, बट जितनी कोशिश हम लोगों ने यहाँ पे करी है, ना ये पता था कि कैसे सामान लोड होता है, क्या कहाँ जाना है, तो जर्नी थोड़ी डिफ़िकल्ट रही है। बट हाँ, अब स्मूथ हो गई है क्योंकि एक साल में इतना सीख लिया है कि कहाँ से कैसे क्या करना है। एंड सपोर्टिव फैमिलीज़ में ये था कि मेरे जो मतलब रिलेटिव्स हैं उनमें से कुछ यहाँ पर ही थे, जैसे वो कज़न मामू हैं मेरे, वो थे मेरे रियल मामा थे। तो इन लोगों ने मेरे को धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ समझाई कराई। तो आज ये है कि एक साल मेरे डैड को कंप्लीट हुआ है यहाँ पर। तो मैंने फिर ये डिसाइड किया था कि जो स्ट्रगल पार्ट रहेगा वो मैं शेयर ज़रूर करूँगी, और आने वाली जनरेशन को ये कहना चाहती हूँ कि जो आपके फैमिली बिजनेसेस हैं, अपने पेरेंट्स की तरफ एक बार, जो अभी रियल में ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, बाकी के भी सदर के लोग हैं, उनकी भी फैमिलीज़ हैं, तो मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ यंगस्टर्स को बेसिकली कि वो भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन अपनी फैमिली के टूवर्ड्स बढ़ाएं, ताकि वो अपने आइडियाज़ लेकर आएँ और अपनी फैमिली को उसी तरीके से सपोर्ट करें, सो दैट उनके बिजनेस में भी ग्रो हो सके। आजकल की जनरेशन कोई मेकअप आर्टिस्ट है, कोई अच्छे लेवल्स पे भी हैं, बट अगर जिनका थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है कमिंग इनटू दिस एरिया, सो वो एक नए तरीके से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इट इज़ नॉट ईजी, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इट्स जस्ट दैट आपको किस तरीके से उसको आगे लेके जाना है और किस तरीके से आप अपना माइंड सेट रखते हो कि वो कैसे फोकस रहेगा। अच्छा मैम, जब आपके पास आपको पता लगा कि अचानक आपके घर के अंदर ऐसी घटना हो गई है कि आपके पिता आपके बीच में नहीं रहे, तो किस तरह से लगा और आगे क्या रणनीति रही कि हम काम को कैसे संभालेंगे, क्या मन में चल रहा था उससे? सर उस टाइम पे सिर्फ एक ही फोकस था कि अब जो सिचुएशन है उसको कोई ना कोई तो हैंडल करेगा। तब इतना आसान नहीं था हम लोगों के लिए, बट हिम्मत कहते हैं ना भगवान ही देता है, तो वो एक ग्रेस थी कि ऊपर से ही आ रही थी। और जब स्टार्ट किया था तब भी विंटर्स का टाइम था, और आज जब कंप्लीट हुआ है तो भी विंटर्स का टाइम था। ना पता था कि ऐसी सिचुएशन में आके बैठना पड़ेगा या कुछ भी करना पड़ेगा, बट आई एम हैप्पी क्योंकि मैंने एक साल पूरी तरीके से अपना हार्डवर्क, अपना टाइम, अपनी हर चीज़ बहुत एप्रोप्रिएट तरीके से करी ताकि आगे ले। क्या क्या परेशानी आई आपको इस नए बिजनेस में आने के लिए? अजीब सा लगा होगा, अरे ये क्या हुआ एकदम? नहीं सर, इतना डिफ़िकल्ट नहीं था क्योंकि एक तो यहाँ पे जो कम्युनिटी है, जो पूरे यहाँ लोग हैं, वो सारा की सारा क्राउड मेल है। वुमेंस के लिए यहाँ पे बैठना थोड़ा डिफिकल्ट है, इवन वॉशरूम्स आर नॉट अवेलेबल हियर ढंग से। एक दो वॉशरूम्स हैं, उसमें भी कई बार दिक्कत आती थी, बट ठीक है, मैनेज हो गया समहाउ। और जैसे कि आप देख सकते हो सारी मेल कम्युनिटी है यहाँ पे, तो वुमेंस के लिए यहाँ बैठ के काम करना वॉज बिट डिफ़िकल्ट, बट एक एक बंदे से जब जाके बात करी और उनसे समझा तो हर किसी ने कोऑपरेट भी किया है। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी एसेट बहुत बड़ी दिक्कत आई हो या कोई ऐसी बात हुई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं जीता जागता उदाहरण है आने वाली पीढ़ी के लिए, उन महिलाओं के लिए, उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं लड़की कुछ नहीं कर सकती या बाहर निकालेंगे लड़की को तो बड़ी दिक्कत होगी। मैं ये कहूँगी, जब आप ये बोलते हो कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो मैं ये कहूँगी हर घर की लड़की को ये होना चाहिए कि अगर घर में कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो उस टाइम पे आपको हारना नहीं है। यू डोंट हैव टू लूज होप्स, यू हैव टू कीप गोइंग एंड सी कि क्या कर सकते हो। इनफैक्ट यहाँ पे बहुत सी ऐसी शॉप्स है जिसमें आप न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ ला के आप सेल आउट कर सकते हो, इतना मुश्किल भी नहीं है। बट वो ये है कि आपकी रिसर्च कैसी है, आप कैसे क्या चीज़ ढूंढ रहे हो, चाहे आप बैग्स ले लो, चाहे कॉस्मेटिक्स ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, आप कोई भी आइटम उठा लो। एंड अगर आपका थोड़ा सा भी पीयर ग्रुप है तो आप उसमें भी अपनी एक शुरुआत कर सकते हो। आजकल लेडीज़ अपने घर से काम कर रही हैं, वो भी अपना बिजनेस रन कर रही हैं,
तो सिटिंग एट सदर वॉज नॉट दैट टफ फॉर मी, क्योंकि इट वॉज ऑलरेडी 45 ईयर से वो चीज़ चल रहा था, बस उसे रिटेन करके एक अच्छे लेवल पे मेंटेन करना था, जो एक साल की जर्नी में हम लोगों ने किया। अभी क्या फील कर रहे हैं, कैसा लग रहा है, बिजनेस कैसा चल रहा है, सबसे बड़ी बात? सब बिजनेस मैं ये कहूँगी कि जितना मुझसे हो पाया मैंने अपना 100% दिया है, बाकी इट ऑल अबाउट हिज ग्रेस। मैं बस ये चाहती हूँ कि ये मैसेज हर हर फैमिली में पहुँचे, हर उस फैमिली तक जाएँ, ताकि बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करें, और अगर कोई भी पेरेंट्स यहाँ पर हैं सदर में बेसिकली, तो वो अपने बच्चों को भी ये बोलें कि अगर उनको कोई मतलब कोई भी चीज़ की दिक्कत आ रही है किसी भी चीज़ में, तो वो अपने बच्चों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि बच्चे अपना कोई कंट्रीब्यूशन, कोई आइडिया, कोई उनके साथ बात करें, तो वो चीज़ उनकी ग्रो हो सके। महिला सशक्तिकरण का दौर चल रहा है, तो महिला सशक्तिकरण में खुद से ही सब कुछ करना पड़ता है, तो आप उसकी एक मिसाल है, जीती जागती, क्या कहना चाहेंगे इसमें? सर ये मिसाल आप कह सकते हैं, बट थोड़ा सा टफ पीरियड था, जिसको हमने एज अ पॉजिटिव नोट लेकर उसको एक अच्छे लेवल पे लेकर आए, ताकि हम लोग इसको और आगे लेके जा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।